ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। लेकिन ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकती हूँ। पर एक रिक्वेस्ट है, वो लोन वापस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, एकदम वापस नहीं कर सकती मैं। अच्छा है। इतना प्यारा तो है, इतना हैंडसम है मेरा बेटा। और सनाया को देख लो, कोई जोड़ी नहीं। सच पूछो तो मैं तो तुम्हें बना लेती अपनी बहू, मुझे इतनी अच्छी लगती हो तो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। सब जानती हूँ क्यों परेशान है आप। जिंदगी में इतना बड़ा वाकया हो गया और आप अभी आप भाभी को बता नहीं सके, क्योंकि वो आपका फोन नहीं उठा रही है ना। बहन हूँ आपकी, आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब तक अपनी परेशानी फबीहा भाभी को नहीं बता देंगे, सुकून नहीं आएगा आपको। क्या करूँ हानिया, मोहब्बत के साथ उसकी एक आदत भी हो गई। और आपको लगता है कि ये सब सही है? सही और गलत के फैसले से बहुत दूर जा चुका हूँ। अब तो बस यही सोचता रहता हूँ कि उसको खुश कैसे रखूँ, उसका ख्याल कैसे रखूँ। मुश्किल है। खैर, मेरी माने तो दोस्तों में जाया करें, उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो आदतें भी बदल जाएंगी और जिंदगी भी एंजॉय करेंगे। सनाया को देख लो, वाजबी सी शक्ल है लेकिन ऐश कर रही है आराम से शादी के बाद। तुम क्यों नहीं कर सकती ऐश? आराम कैसा लगता है तुम्हें? कहाँ थी तुम? जी, तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ थी तुम? वो मैं वॉशिंग एरिया में थी, आराम सर के सुबह कपड़े धोते ना तो वो फैलाने गई थी। अच्छा, मुझे लगा तुम अपना फोन यहीं भूल गई थी, हमजा की कॉल आ रही थी। अभी भी आ रहा है फोन, उठाओ, कोई इमरजेंसी होगी, उठाओ। हेलो हमजा। थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया, कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ यार। हमजा, मैं तुमसे घर जाके बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ले आता। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, फबिया से पूछ लें अगर अम्मी की इंसुलिन खत्म हो गई है तो। हाँ ठीक है।
फबिया है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। प्लीज आई इंसिस्ट, आई मैं आपको ड्रॉप कर प्लीज। I'm sorry, आज आप मेरी वजह से फंसने वाले थे। नहीं नहीं थैंक्स, तो मुझे आपका कहना चाहिए क्योंकि आपने मुझे सनाया से बचा लिया आज, वरना मैं इसी गुमान में दरवाजा खोल देता कि सनाया मेरी बात पे यकीन कर लेगी। चलें शुक्र है सिचुएशन से बच गए। सच बताऊं तो कुछ देर के लिए मैं डर गया था। आप डरते भी हैं? सही सी बात है, हर शौहर अपनी बीवी से डरता है। ये भी है। आपका घर आ गया। अंदर आइए ना, चाय पी लें। नहीं नहीं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। ओके खुदा हाफिज। अरे बहुत हो गया काम। क्या इरादे हैं जनाब आपके? सोचा आज आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूं। कॉफी? सुनाया तुमने? ऑफिस से कॉल है अरम, आई एम सो सॉरी, दो मिनट में आ रही हूँ। हाँ दो मिनट। हेलो जी, कॉफी? अरहम
और हम उठे हैं। अरहम अरहम लाइट बंद कर दो और सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सच पूछो तो मैं तो तुम्हें बना लेती अपनी बहू, मुझे इतनी अच्छी लगती हो तुम। क्या अरम सर को भी अच्छी लगती होंगी मैं? अगर किस्मत मौका देती तो क्या मैं वाकई इस घर की बहू बनती? क्या स्टेटस की दीवारें ऊंची नहीं होती मेरे लिए? ऐसा क्यों करती है जिंदगी हमारे साथ? जो रास्ता बंद हो वही मंजिल तक पहुंचाता है। फबिया, फबिया किन ख्यालों में घूमो भाई? कुछ नहीं, बस आपके बारे में सोच रही थी, परेशान हूं। वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तुम मेरी फिक्र में अपनी फिक्र छुपा रही हो। ऐसी बात नहीं है आपी, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं पूरी दुनिया की खुशियां आपके दामन में रख दूं। किस्मत का लिखा कबूल कर लिया मैंने, अब दुनिया की कोई खुशी भी मेरे इस गम को कम नहीं कर सकती। फबिया बोलो। वो फबिया तुमने कहा था कॉल बैक करोगी, शायद तुम भूल गई तो मैंने खुद ही कॉल कर ली। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। फबिया मुझे जॉब से फायर कर दिया है यार, और 2 महीने में 10 लाख रुपए देने हैं वरना मुझ पे केस कर देंगे। और तुम कैसे दोगे इतने सारे पैसे? घर बेचना पड़ेगा। फबिया तुम चुप क्यों हो? हेलो, जिसके पास 50,000 तक की नौकरी नहीं है तेरी जिम्मेदारी क्या उठाएगा? फबिया आज नौकरी चली गई, कल घर चला जाएगा, बच्ची का क्या हमजा के पास मुझे देने के लिए? आदि कैसा बना रहे हो? बहुत अच्छा। आप भी अच्छा बना रहे हो। अच्छा लग रहा है पिंक कलर। वाह यार इतना अच्छा बना है। ये क्या हो रहा है? मैं तो आप दोनों को सुला के गई थी ना, तो ये क्या हो रहा है? मामा हम फबिया आंटी के लिए फ्रेंडशिप कार्ड्स बना रहे हैं, कल फ्रेंड्स डे है ना। कैसा बनाया मामा? अच्छा है। मामा आपको पता है फबिया आंटी हमारी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। फबिया आंटी अच्छी लगती हैं आप दोनों को? बहुत बहुत। क्या बात अच्छी लगती है आपको फबिया आंटी की? वो हमारे साथ खेलती हैं, अपने हाथों से खाना भी खिलाती हैं। वो तो मामा भी खिलाती हैं ना? मामा आप तो सिर्फ संडे को खिलाती हैं, बाकी दिन तो आप सिर्फ ऑफिस में होती हैं। मामा अब बताएं कैसा बनाया है? और आदि आदि कहते आदि ये कोई ड्राइंग है, इतनी गंदे बना रहे हो। चलो बस बहुत हो गया। मामा नहीं, मामा प्लीज। बस हरीन पैक करो इनको। चलो बस सो जाओ, चलो छोड़ो इसे।
सच पूछो तो मैं तो तुम्हें बना लेती अपनी बहू, मुझे इतनी अच्छी लगती हो तुम। अच्छी लग रही? वो बस यूं ही। हमजा आया है, बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। हमजा? और अम्मी कहाँ है? वो भी उसी के साथ बैठी है, इंतजार कर रही है। बाहर गई तो हमजा के साथ जाना पड़ेगा। फबिया, अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती हो तो जाके साफ साफ इनकार कर दो, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? वैसे भी जिंदगी के कुछ फैसलों के लिए थोड़ी बहुत बगावत करनी पड़ती है। रोज रोज के बहानों से तो बेहतर है ना कि एक बार ही मना कर दो उसे। अब सोच क्या रही हो, जाओ जाके बोलो। आपने तो रात को इस शर्ट का बोला था। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होता है मेरे लिए, इसलिए खुद कर लिया। पर हम सो सॉरी फॉर द लास्ट नाइट। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड। अरहम 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 प्लीज, मुझे पता है आप मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑफिस का काम खत्म करके आऊँ, लेकिन जॉब है, कोई ना कोई काम निकल आता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैनेज करना तुम्हारा काम है, घर भी और जॉब भी। इसीलिए तो कह रही थी कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ। ये क्या तुम बार बार मुझे जॉब का बताती हो, मुझ पर एहसान कर रही हो जॉब करके? नहीं 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 प्लीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सही समझ रहा हूँ मैं? जब से मेरा प्रमोशन हुआ ना, ये जो तुम्हारा मैका है इसको भी कोई खास खुशी नहीं हुई और तुम्हारी भी सोच पतली हुई। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, इनफैक्ट आपकी प्रमोशन का सुनके बहुत खुश हुई थी। जानता हूँ, ये मशवरा भी उन्होंने दिया होगा जॉब छोड़ने का। बस कर दे प्लीज यार, बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं आप। सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सच यही है कि मेरे मेके वालों ने कुछ नहीं कहा, जॉब छोड़ना ना छोड़ना मेरी अपनी मर्जी होगी, और आप नहीं चाहते कि मैं जॉब छोड़ूं तो बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई, नहीं हुई बात खत्म, बता रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? सुना, मैं जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने कल रात अम्मी को इंसुलिन लगाई थी कि नहीं? हाँ लगाई थी मैंने। बस कर दो यार सुनाया, कितना झूठ बोलोगी? हर बार मेरी अम्मी को झूठा साबित कर देती हूँ, एक के बाद एक गैर जिम्मेदारी, हद होती है यार। अरे तो फबिया टाइम पर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। जी जी घर पे सब ठीक है, और फिर आप हैं और अम्मी हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, फिर किस बात की परेशानी? फबीहा बेटा जल्दी आओ, हमजा लेने आ गए।
चले फबिया। नहीं। क्या मतलब है नहीं? मैं खुद चली जाऊंगी अम्मी। फबिया, मैं छोड़ देता हूँ ना। हमजा मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी नौकरी की फिक्र करो, उसकी ज्यादा जरूरत है अभी। नौकरी? क्यों, नौकरी चली गई है क्या? जी अम्मी, गबन के चक्रों में उसको नौकरी से निकाल दिया और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। गबन? अरे मैं मान ही नहीं सकती कि हमजा ने कोई गबन किया होगा। अम्मी आपके वकालत से कुछ नहीं होगा, उसकी अपनी नौकरी नहीं है, 100 खर्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, ऊपर से मुझे छोड़ने के लिए पेट्रोल का खर्चा अलग। मैं इस पे और बोझ नहीं बन सकती, इसलिए मैं खुद चली जाऊंगी। खुदा हाफिज़। फबिया, फबिया रुको, फबिया मैं फबिया रुको, फबिया, फबिया रुक जाओ, फबिया मेरी फबिया। जी मैम। आज बच्चों का लंच तुम देख लेना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, और तुम थोड़ा लेट जाना जब तक हादी कराटे क्लास से वापस ना आ जाए। वो अपनी क्लास से वापस आके शावर लेता है, उसके कपड़े मैंने निकाल दिए, बाकी तुम देख लेना। ये लो बेटा, पानी पी। तुमने जमाल साहब से बात की? पैसों के बारे में क्या कहा उन्होंने? फिलहाल इस घर को बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बेटा 70 गज पे बना हुआ इतना पुराना घर है, ऐसे कितने में बिक जाएगा ये? और फिर 10 लाख रुपए तुम उनको दे दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कल को तुम्हारी शादी करनी है, हानिया की शादी करनी है। बेटा जज्बात से नहीं, अकलमंदी से फैसले करने होते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि ये घर ना बिके, लेकिन अगर कोई और रास्ता नहीं मिलता तो हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। एक हल है। क्या हल है अम्मी? फबिया जहाँ जॉब करती है ना, अच्छे खाती पीते लोग, अगर तुम उनसे बात करोगे ना तो वो दे देंगे, और फिर हम मंथली लौटाते रहेंगे उनको। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? क्या हो गया है आपको? मैं फबिया से पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरी गैरत मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देती है कि मैं अपनी होने वाली बीवी से पैसे मांगूं। अरे इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, इसी तरह मिलजुल कर बेटा जिंदगी गुजारी जाती है। अम्मी आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन फबिया एक ऐसे शख्स के साथ शादी क्यों करेगी जो उसके आसरे जी रहा हो? वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी नहीं। बेटा तुमने भी तो फबिया के लिए कुर्बानियां दी हैं ना, और कुर्बानियों से रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम उससे बात करके तो देखो। तो मेरी बात मानो, बात करो उससे।
आंटी आपकी चाय तैयार करके मैं ले आई। आंटी आंटी चले उठ जाए, काफी टाइम हो गया। आंटी आप कहाँ, क्यों आप तो ठंडी हुई नहीं है। आंटी क्या हो गया आंटी, मुझे बता। आंटी मुंह खोले, आंटी कुछ बोले। आंटी आप कुछ, अरे आंटी की तबीयत तो बहुत खराब हो रही है। हेलो अरम सर, आंटी की तबीयत इतनी खराब हो रही है, क्या करूं? क्या हुआ मेरा? रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मुंह नहीं खोल रही है, आंखें नहीं खोल रही है, बात नहीं कर रही है, कुछ क्या करूं मैं? आई थिंक शुगर लो हो रही है। आप इंसुलिन लगा दें और एक ब्रेड का स्लाइस दे, मैं आ रहा हूं। इंसुलिन ठीक है। आंटी बस मैंने इंसुलिन लगा दी, अभी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आंटी ये पानी पीने की कोशिश करें थोड़ा, ये ले। आंटी पानी पिएंगे तो आपकी तबीयत फौरन ठीक हो जाएगी। यस बस। आपने रात को खाना खाया था? खाना खाया था आपने रात को? पता नहीं। इंसुलिन लगाई थी? नहीं नहीं लगाई थी। अच्छा मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ, आप खाएंगी तो आपको एनर्जी आएगी, आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर होगी। ठीक है टोस्ट बनाकर लाती हूँ मैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की तबीयत खराब है, वो लेटी हुई हैं अभी। अम्मी क्या हुआ, ऐसे क्यों लेटी हैं आप? कल रात इंसुलिन लगाना भूल गए और खाना भी नहीं खाया, तो मैंने अभी इंसुलिन लगाई है इनको। रात में इंसुलिन देना भाभी की जिम्मेदारी है ना। मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है? हाँ दिया। भाई कहाँ हैं आप? मैं बस घर जा रहा था अम्मी के। अम्मी की हालत पता है आपको? आपकी बेगम को एक जिम्मेदारी दी थी कि रात को वक्त पे इंसुलिन लगा दे, वो उससे भी गई वो। ऐसी बात नहीं है हादिया, ऐसा हो नहीं सकता कि रात की इंसुलिन में स्की हो सुना है। अच्छा तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ, अम्मी की हालत देखिए आपने क्या हुई भी है। आपको होगा अपनी बेगम पे बहुत भरोसा, मुझे जरा बराबर भी नहीं है। उससे अच्छी तो वो बेचारी फबीहा है, हमारी माँ का एहसास तो है उसे। मैं तो कहती हूँ आप जितने भी पैसे उसे देते ना, उसके पैसे बढ़ाएं और रात की इंसुलिन का वक्त भी उसे ही दे दें। हमारी माँ तो जिंदा रहेगी। वो बताओ, माँ को जिंदा देखना भी हसरत ही रह जाएगी हमारी। अरे मैं बस घर जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूँ। जल्दी पहुंचे और अम्मी के मामले में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। भांति बेटे बस अब ठीक हूँ, जाओ बेशक तुम जाके अपने काम वगैरह देखो, ठीक है? बिल्कुल नहीं, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं, काम तो सब बाद में भी होते रहेंगे। आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है बेटे अब ठीक हूँ। जब तक ये है ना तब तक कुछ नहीं होगा मुझे, बस तुमने इसका शुक्र गुजार रहना है सारी जिंदगी। आज इसकी वजह से तुम्हारी माँ जिंदा है, पर सनाया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे जान से मारने। अम्मी ने, सनाया ने रात को इंसुलिन ले लगाई आपको? खाना भी नहीं दिया शायद। हो सकता है वो ऑफिस की टेंशन में इंसुलिन लगाना भूल गई हो।
मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमसा इतनी बड़ी रकम लौटाएगा किस। अम्मा चोरी की है तो लौटानी तो पड़ेगी ना रकम। फरहीन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि हमजा ऐसा कर सकते। फो अम्मा आपको बता के थोड़ी करेगा, इतनी सालों की नौकरी से निकाला है तो कोई सबूत तो मिला होगा ना उन्हें। एक बात याद रखिएगा, शरीफ वो है जिसे मौका नहीं मिला। हमजा इसे कैसे कर सकता है, वो तो बहुत शरीफ लड़का है। मुझे भी हारिस ऐसे ही शरीफ लगता था जैसे आपको हमजा शरीफ लगता है। कहीं आप भी मेरी तरह धोखा मत खा लीजिए। फबिया की जिंदगी दांव पे लगी और 10 लाख ना कोई छोटी रकम नहीं होती। नहीं हमजा धोखा नहीं दे सकता। उनसे मटर है बहुत मीठे। कच्ची कच्ची मत खाओ, पेट दुखेगा, यहाँ डालो। डोंट वरी सर, नक्शे के साथ मैंने कोटेशन भी भेज दिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी श्योर श्योर। हाँ अरम। सनाया तुमने कल रात अम्मी को इंसुलिन लगाई थी? क्यों क्या हुआ? सनाया मैं जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, तुमने कल रात अम्मी को इंसुलिन लगाई थी कि नहीं? हाँ लगाई थी मैंने। बस कर दो यार सनाया, कितना झूठ बोलोगी? हर बार मेरी अम्मी को झूठा साबित कर देती हूँ, एक के बाद एक गैर जिम्मेदारी, हद होती है यार। अरम तो पबिया टाइम पर पहुंच गया वरना पता नहीं क्या हो जाता। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको यकीन नहीं है मेरी बात पे? ये यकीन तुमने खुद खोया है। और अम्मी भी सही कहती हैं कि जिस औरत के पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं वो मेरी माँ का ख्याल क्या रखेगी यार। अरम जी सर। Everything's okay? जी सर सब ठीक है। तो सर मैं आपसे कह रही थी कि मैंने कोटेशन भेज दी है और नक्शा भी भेज दिया, तो आप जैसे उनका कोई रिप्लाई आता है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। अम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं समझी वाकई आपकी तबीयत खराब हो गई है तो आप बाह है। अम्मी आपके इन ड्रामों का ना कोई फायदा नहीं है। होगा फायदा हाथिया, होगा। मैं भी देखती हूँ ये सनाया बीबी कब तक अपने माथे की लकीरों पर रश करती हैं। इस बार तो ठान ली है मैंने अरहम की जिंदगी से दूर करके रहूंगी इसे। इतना आसान नहीं है अम्मी, अरहम भाई पूरी तरह भाभी के कब्जे में है और आप चाहे कुछ कर लें। आप एक बीवी से शौहर छीन सकती हैं मगर बच्चों से उनका बाप ही छीन सकती। अरहम भाई हर तरह बटे हुए इंसान ही रहेंगे। और आपको कैसे लगता कि कोई भी लड़की एक बटे हुए इंसान की जिंदगी में शामिल होना चाहेगी? और वैसे कहना तो नहीं चाहिए मगर अरहम भाई को भाभी जैसी लड़की से दूर करने के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल करना ही है, आपको किसी से शादी करवानी ही है तो उस लड़की का कोई कैलिबर तो हो। देखा है मैंने फबिया को, बस देखने में अच्छी है और तो कुछ भी नहीं है उसके पास। शादी की बात तो तुम कर रही हो हादिया, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि बस एक जाल बिछाया है जैसे मछली को पकड़ने के लिए करते हैं, तो अब असल मकसद तो यही है कि सनाया को निकालना है अरहम की जिंदगी से और कुछ नहीं। अच्छा वाह अम्मी आप तो बड़ी दूर अंदेश निकली, इतनी दूर की तो कसम से मैंने भी नहीं सोची थी। अच्छा ये बताएं किसी तरह अगर फबीहा मान भी गई तो उसे अरहम भाई के करीब कैसे करेंगी आप? मर्द की फितरत को बस उकसाने की देर होती है, बर्फ की तरह पिघल जाता है। और जब उनको अलग करने की बारी आई तब? हाँ तो तब की तब देखेंगे। हाँ देख ले अम्मी, कहीं ये चाल उल्टी ना पड़ जाए, हम ही मुश्किल में ना फंस जाए। भाई इस वक्त तो हमारी मुसीबतों का वाहिद हल फबीहा ही है, मुझे तो उस वक्त का इंतजार है जब अरहम और फबीहा करीब आएंगे। फबिया फबिया आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छा अच्छा चलो अल्लाह हाफिज। आओ आओ बैठो बेटे,
तुमने सुन ली मेरी और हादिया की बात? नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। अब बताओ कुछ नहीं सुना तुमने? ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? तुम चाहो तो सब हो सकता है, कुछ मुश्किल नहीं। और आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जिस माँ के सामने उसका बेटा रोज खुद खुद के जीता हो, अपनी बीवी अपने बच्चों को खुश करने की खातिर खुद हंसना भूल गया हो, अगर उसकी माँ उसे मुस्कुराता देखना चाहती है, उसकी खुशियां वापस लाना चाहती है, तो क्या गलत है बच्चे? बताओ गुनाह है क्या तू उससे शादी? और तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें जिंदगी से जो कुछ चाहिए वो सब है ना, यहाँ घर है, गाड़ी है, पैसा है, मेरा साथ है तुम्हारे लिए। तुम्हें मंजिल की तलाश है, मेरे बेटे को खुशियों की। मंजिल भी है, खुशियां भी है, बस सही वक्त पर सही फैसला करने की जरूरत है। समझी? और अरहम का क्या है? मर्द तो औरत के इरादों पर फैसला करता है। और अरहम क्या चाहता है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं हूं ना। बस तुमने तो अमल करना है। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं।